तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स देना चाहूंगा। सीरीज ऑफ स्टडी टिप्स में मेरा पहला टिप्स ये रहेगा कि सिलेक्शन सही करो। जिंदगी में अगर आपको 50% से ज्यादा जंग जीतनी है, तो आप अगर सही सिलेक्शन कर लोगे तो आपकी जिंदगी में आप 50% से ज्यादा जंग जीत लोगे। जिंदगी में हर वक्त ये मौका मिलता है कि हम क्या चीज सेलेक्ट करें और क्या ना करें। जब आपने क्लास 12th पास किया था तो आपने चयन किया कि मैं सीए करूंगा। फिर आपने चयन किया मैंने क्लासेस कहां से लेना है। फिर आपने चयन किया मुझे एग्जाम कब देना है। फिर आपने चयन किया मुझे एग्जाम कहां से देना है। बहुत सारी बातों में आप सिलेक्शन करते हो। तो मैं क्योंकि यहां पर रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, तो रिस्क मैनेजमेंट के जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर में आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब आपको यह चयन करना होगा कि कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है, एक आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको 15 मिनट मिलता है उसमें आप यह डिसाइड करें कि कौन से केस स्टडी के एमसीक्यू आप 100% कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यू में पूरा मार्क्स मिलेगा, 40 मार्क्स का एमसीक्यू है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो 40 मार्क्स आप पास हो गए, देन आप चाहेंगे 100% सिक्योर करने का। तो सबसे पहले 15 मिनट में यह डिसाइड करना है कि कौन से एमसीक्यू, कौन से केस स्टडी के एमसीक्यू का आपको 100% क्वेश्चन आता है। मान लो चयन हो गया, उसके बाद आपको यह डिसाइड करना है कि उस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू के अलावा भी क्वेश्चंस होंगे। आप उस क्वेश्चन को पढ़कर सीधा देखो कि आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। आप पूरा केस स्टडी मत पढ़ो, ठीक है? जब मैं केस स्टडी शुरू करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बहुत बार केस स्टडी से कोई नाता नहीं होता क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है? फाइन सर, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में आइएगा। डायरेक्ट आपको जो मिल रहा है बुक से वो क्वेश्चन आपको नजर आएगा। तो आपका यह चयन हो गया कि इस पार्ट का मैं सारे क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, सारे एमसीक्यू भी कर सकता हूँ। लॉक कर दो, उस पार्ट से शुरू करो, और जिस पार्ट में आपको एमसीक्यू में थोड़ी कमी लग रही है या क्वेश्चन में कोई कमी लग रही है, उस पार्ट को आप लीव करो। ये एक्सरसाइज अगर आपने 15 मिनट में कर लिया, सुनो, 15 मिनट में कर लिया अगर ये एक्सरसाइज, तो इसका मतलब आपको 100 out of 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप फर्स्ट स्टडी टिप्स आपको बिल्कुल क्लियर है। सिलेक्शन सही करो। आप लिख सकते हो इस बात को कि मुझे अपने क्वेश्चन का चयन बिल्कुल सही करना है, क्योंकि यह चयन तो आप ही कर सकते हैं, इसमें टीचर कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपने गलत क्वेश्चन का चयन कर लिया तब आपके मार्क्स भी उसी हिसाब से डिडक्ट हो जाएंगे। तो आई होप आप सिलेक्शन बिल्कुल सही रखोगे। फाइन सर।